अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की करम फजल और शुक्र के साथ आज का विदा करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज कल ना मैं थोड़ा सा विजिट वाली साइड पे हूँ, तो कल आप लोगों को शकरबड़ियों का विजिट करवाया था, तो आज इंशाल्लाह आपको फैसल मस्जिद का विजिट करवाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हम फैसल मस्जिद में पहुँच चुके हैं, तकरीबन कुछ 5-10 मिनट ही ना हुए हमें फैसल मस्जिद पहुँचे हुए, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर दें, खुद भी इंजॉय करें और आप लोगों को भी इंजॉय करें। चलें, अभी तक ना हम फैसल मस्जिद के करीब नहीं गए, अभी जाते हैं करीब, आप लोगों को ना करीब से व्यू दिखवाते हैं इंशाल्लाह। ये कुछ आस पास का ये व्यू है, आज तकरीबन दूसरा दिन है जो गर्मी है ना बड़ी ज़्यादा है। आप लोगों को ना हमारे फेस से पता चल रहा होगा कि गर्मी कितना ज़्यादा है, गर्मी बड़ी ज़्यादा है। हमने ना टेम्परेचर चेक किया है, तकरीबन 45 सेंटीग्रेड पे ना आज गर्मी थी। अरे पुलिस को मैं फ़ोन करूँ, रुको इधर। ये बच्चे हमें ना बहुत ही तंग कर रहे, पानी फेंक रहे हमारे ऊपर। ये जी फैसल मस्जिद की एंट्रेंस है, यहाँ से हमने इंटर होना है फैसल मस्जिद के लिए। तो जैसे ही ना इंटर होते हैं तो साथ ही यहाँ पे शूज़ वाले बैठे होते हैं, यहाँ पे ना शूज़ जमा करवाने होते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है शूज़ जमा करवाएं या ना करवाएं, अगर शूज़ जमा नहीं करवाते तो आप लोग अपने साथ शूज़ ले जाएँगे, ठीक है, अपने हाथ में जाके सेफ़ जगह पर ना रख देंगे जाके। मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर ना शूज़ वगैरह चप्पल वगैरह जो होते हैं ना फी जोड़ा 10 रुपये जमा होते थे, लेकिन यार पता नहीं इन लोगों का ठेका ख़त्म हो चुका है, आज ये लोग ना यहाँ पर नहीं बैठे हुए, तो अब हम अपने जो शूज़ वगैरह हैं ना वो साथ ही ले जाएंगे और किसी सेफ़ जगह पे ना जा के रख देंगे इंशाल्लाह। और आप व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त व्यू है। वैसे जो गर्मी है ना गर्मी ज़्यादा बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर ना मौसम जो है ना वो नॉर्मल है, क्योंकि साथ पहाड़ हैं जिसकी वजह से ना मौसम इस टाइम ज़बरदस्त बन जाता है माशाल्लाह। हमने ना हाथ में उठा लिए, यहाँ पे ना रख देंगे, यहाँ जगह बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे ना बैठे हुए नहीं जो जमा करते हैं। मुझे लगता है कि ये ना अपनी जिम्मेदारी पे रखनी है यहाँ पे। ये शूज़ वगैरह रखने के बाद हम इन सीढ़ियों से ना ऊपर जाएंगे, और जो सीढ़ियाँ हैं ना वो बड़ी गर्म पड़ी हैं। कौन सी? ये जो ना वाइट वाला पत्थर है ना ये ठंडा है, पता नहीं वैसे ठंडा होता है या पानी फेंका गया है, ये कंफर्म नहीं है मुझे। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ना ऊपर पहुंच चुके हैं फैसल मस्जिद के सामने, आप लोगों को जाके व्यू दिखाते हैं। चेक करो यार जो ज़मीन है ना फर्स्ट बड़े ही गर्म पड़ा हुआ है, बड़े ही गर्म है, यकीन मानिए मेरे जो पाँव हैं ना वो जल रहे हैं गर्मी वो गर्मी की वजह से। ये देखें माशाल्लाह व्यू चेक करें फैसल मस्जिद का, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मज़ा आ रहा है, लेकिन पाँव वाला मसला है ना, पाँव बड़े जल रहे हैं गर्मी की वजह से। तो आप लोगों को भी व्यू दिखाते हैं और ख़ुद भी जाकर ना फुली इंजॉय करते हैं। जब मेरा ना दूसरी टाइम ना फैसल मस्जिद में टूर है, पहली मरतबा मैं आया था यही सूट पहन के आया था, तो अब आया हूँ तो यही सूट पहन के आऊँ ना, ये इतफाक़ ही समझ लें। मैंने ना एक बात नोट की है ब्लॉगिंग करते वक्त, जो मैं ना कैमरा है ना वो मैं बहुत ही ऊपर रखूँ यहाँ पर, तो मैंने बाद में ना वीडियो चेक की है, यहाँ पर अगर मैं ना कैमरा रखूँ तो मैं फुली आता हूँ, यहाँ पे रखूँ ना तो सिर्फ ना मेरा सर आता है, यहाँ पे कैमरा जो है ना वो ठीक है। असल में यार मेरे पास ना वो स्टिक नहीं, अगर स्टिक होती तो वो ना फिर मुश्किल नहीं होती ब्लॉगिंग करने में। पहले हमारा इरादा था ना फैसल मस्जिद आने का, तो हमने सोचा था कि हम ना जुमे वाले दिन आएंगे, तो आज है जुमे रात, जुमे वाले दिन हमने इस वजह से सोचा था कि अगर हम जुमे वाले दिन आएंगे तो जुम्मा यहाँ पे ना फैसल मस्जिद में ही अदा करेंगे, लेकिन फिर ना हमारा बाद में इरादा चेंज हो गया था, क्योंकि यार जुमे टाइम अगर हम आते हैं ना तो बड़ी गर्मी होनी थी। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पाँव हैं ना वो बहुत ही जल रहे हैं गर्मी की वजह से, अगर हम जुमे के टाइम आते तो फिर तो ज़्यादा ही गर्मी होनी थी। तो आप लोगों को ना मैं जाके नीचे का व्यू दिखाता हूँ, ऊपर से ही ना खड़ा होगा, ये नीचे ना स्विमिंग पूल वगैरह बना हुआ था, लेकिन यार ये बंद पड़ा है, पता नहीं बंद किस वजह से पड़ा है, लेकिन ये व्यू जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ का, और रश जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि यार गर्मी है, गर्मी की वजह से ना आवाम जो है ना वो थोड़ी सी लेट आती है विज़िट वगैरह के लिए ना। तो ये फैसल मस्जिद के ना इर्द गिर्द का माहौल, सामने वो आप लोग पहाड़ देख सकते हैं, कितना बड़े खूबसूरत सा ना व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, लेकिन ना ये जल नहीं रही अभी तक ना, अभी तक ऑफ है ये, तो जितने करीब जा रहे हैं ना फैसल मस्जिद के जितने करीब, तो व्यू है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है।
मस्जिद के ना दरमियान सेंटर में जो लाइटिंग लगी हुई है ना वो बड़ी मज़ाकार है। जैसे मैंने अभी ना तस्वीर बनाई यहाँ लाइटिंग की, तो ये बड़ी मज़ाकार रही है यार। असल में ना वो स्टिक की वजह से ना कैमरा जो है ना वो ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से ना वीडियो क्लियर नहीं आती। तो इंशाल्लाह ना बहुत जल्द मैंने माइक तो मंगवा लिया है, तो इंशाल्लाह अब ना बहुत जल्दी ना स्टिक मैं मंगवाऊँगा ताकि ना ब्लॉगिंग में आसानी हो। टाइम हो गया 7:24 ना, तकरीबन 7:36 पे ना अजानों का टाइम है। तो इंशाल्लाह अभी ना मस्जिद खुलेगी, अभी तो मस्जिद बंद है ना। जब ये मस्जिद सिर्फ ना नमाज के टाइम ही ना ओपन होती है, जैसे ही नमाज का टाइम होगा तो नमाज ही अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज़ ना मस्जिद के अंदर दाखिल होना मना है। वैसे ये मस्जिद ना बंद होती है, नमाज के टाइम ही ना ओपन होती है। वो अजानें होने भी लगी, नमाज स्टार्ट हो गई है ना, नमाज हो रही है अंदर मस्जिद में। तो मस्जिद का ना अंदर का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत ही बड़ा आता है ना देखने में। यहाँ पे ना एट अ टाइम मुझे लगता है कि मैक्सिमम 50,000 बंदा ना यहाँ पे मस्जिद में ना नमाज अदा कर सकता है। तो ये ना बड़ी खुली मस्जिद है और ऊपर का ये ना कोई ऐसे सीन है, लाइटें उन लोगों ने अभी ऑफ कर दी हैं। जैसे ही ना जमात ख़त्म होती है तो ये ना मस्जिद खाली कर देते हैं, फिर ये बंद कर देते हैं ना मस्जिद को। अब फुली ना अंधेरा हो चुका है, तो अब आवाम ना घर जाने के लिए तैयार है। ज़्यादातर ना जो फैमिलीज़ हैं वो वापस जा रही हैं घर के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अंधेरा हो चुका है, सामने ना वो पहाड़ भी ना ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं, और हमारी टीम भी ना बिखर गई है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। आप लोगों को पता है कि तस्वीरों के चक्करों में ना कोई किसी को कौन सी लोकेशन पसंद होती है तो किसी को कौन सी लोकेशन पसंद होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की ना एक बंदा चॉइस करता है लोकेशन को।